चढ़ाई चढ़ने लिए 5 to 7 घंटे लगते हैं। जिहड़े नहीं चढ़ना चाहते वो हैलीकॉप्टर से भी जा सकते। ये सारी कारां दी चढ़ाई है, ये पहला तुर के चढ़ना पैंदा हुंदा सीगा। जिन्ना तुहानू इह कट जे दिख रहे हैं ना, इत्थे 2 बजे तक ही एंट्री हुंदी है। 2 बजे तो बाद तुहानू इत्थों अलाउ नहीं किया जाता जाना। यह पुल पार करके चढ़ाई शुरू हो जाती है। पिछले व्लॉग च आप पहुंचे थे गोबिंद घाट, तो अज के व्लॉग तुहानू दिखावांगे गोबिंद घाट गुरुद्वारा साहब इत्थों दा आला दुआला, इत्थे रहायश लई कमरे किवें मिलदे आ, क्योंकि पिछला व्लॉग आप पहले समाप्त करता सीगा। इलावा समान किथे जमा करवाना है, हैलीकॉप्टर जे तुसी लैना तां ओह कित्थों लैना, मतलब हैलीकॉप्टर भी ओहदी सहूलत मिलण लग गई हुण उपर जाण दे लई, ओह भी तुहानू इस व्लॉग दे विच दस्सदे। किन्ने टाइम पहलां बुकिंग करा सकदे हां जां कित्थों बुकिंग करा सकदे हां, की चार्ज ने, सारा कुछ एवरीथिंग। सो देखदे रहो इहदा व्लॉग। गोबिंद घाट ते आपां इह रूम लिया जी, ते इह देखो किन्ना सोहणा कमरा, ते अग्गे तुहानूं व्यू भी दिखाउणा। असीं गुरद्वारा साहब दी ट्रस्ट का कमरा है, जिहड़ा हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट है उन्हां दा रूम है, ते 2000 रुपए असीं इह रूम लई पे कीते है, ते कोई खास नहीं क्योंकि कमरा बहुत सोहना है यार। इधर देखो ये व्यू है बाहरले पासे, ओ ब्रिजा जिथों दी आपां जाणा हैगा ट्रैकिंग करके उपर नूं हेमकुंड साहब नूं, ते सारा कमरे का व्यू आ गया। ते इधरले पासे अलकनंदा नदी जांदी है, तुहानूं बाहरले पासों भी दिखा दिंदा। इहो जिहे वधिया कमरे भी मिल जांदे यार, मतलब वधिया। हाँ जी, हाँ कमरा देख के तुहानूं ऐ लगदा किसी चंगे होटल का कमरा है, बिल्कुल भी नहीं लगता भी, जां बंदा सोच ही नहीं सकता कि हेमकुंड साहब आके मतलब इन्ने सोहने कमरे मिल सकते। इन्ना कुछ बदल गया, जदों मैं पहला आया सी ना 10 साल पहला, उदों कुछ भी नहीं सीगा, बैग बूग रखणों साडे बैग पए असीं इत्थे ही छड्ड के जावांगे। कित्थे जमा कराउणे आ, किवें कराउणे आ, इह वी तुहानूं अज दे इस ब्लॉग च दिखा देणा मैं कित्थे जमा कराउणे आ बैग। ते फिलहाल तुहानूं इह इमारत दिखा दां, इधरले पासे भी बाहर जाण नूं हैगा, इह पार्किंग बणी आ। इत्थे काफ़ी सारे होटल भी आ गोबिंद घाट ते, जिवें इधरले पासे कुछ होटल्स हैगे उत्थे भी तुसीं रूम लै सकदे हो, सामने होटल हैगा। खैर असीं इह गुरद्वारा साहिब दे रूम च ही रुके आ, ते इह रूम सी अपने इधरले पासे, ते बाकी तुहानूं थल्लों जाके दिखाउणे आ सारा गोबिंद घाट, ते फिर आपां उपर नूं चढ़ाई शुरू करनी है। उस तो बाद बहुत सारी संगत देख लो तुरी भी जा रही, असी लेट हाँ, तो 8 बज गए सवेर के। इधर वो देखो गड्डियां भरिया भरिया जा रही उपर नूं, जिथे तक गड्डी जाती है उत्थे तक गड्डी जा रही है, तो थले भी हुण बहुत घट संगत है, सारी संगत आलमोस्ट चली गई। इत्थे साडा कमरा से, दरबार साहब है सामने, वह भी तुहानूं दिखाउणा दरबार साहब। अगे जाने लई साडियां तैयारियां हो गईयां, बैग सारे रेडी है, पैक कर ले। ये इन्ना समान नहीं उपर जांदा हुंदा, ये जमा होगा कित्थे जमा कराउणा सारा, तुहानूं चलदे आं बाहर जाके दिखाउणे आपां कम। संगत जी समान इत्थे छड्डण नूं फिरदी आ, उह कहिंदे तूं मेरा चक, मैं पानी की बोतल नहीं चकदा, उह कहिंदा मैं नहीं पानी की बोतल चकनी, क्योंकि उपर चढ़ना पैणा ना सानूं इन्ना भार लैके, फिर पता लगदा। एक आ कुड़ी है जिहड़ी साडे च तकड़ी है, कहिंदे सारा समान मैनूं दे दो जिहड़ा वाधू घाटू आ, मैं चक लैणा। हुण तुहानूं थल्लों गुरद्वारा साहब दिखाउणे आ गोबिंद घाट, ते फिर आप चढ़ाई करनी है उपरों हेमकुंड साहब नूं। ये आ गया गुरद्वारा साहब हेठों गोबिंद घाट, तुहानूं जिवें उपरों दस्से दे ना संगतां घट ही आ, ते सारियां चलियां गईयां संगतां। शूज इधर जमा कराउणे आ जी, ते इधरले पासे लंगर हाल है, ते दरबार हाल बणिया होया हैगा। वैसे दरबार साहब इधर उपर हैगा, ते इधर रस्ता इहनूं इधर दी जांदा। अगले पासे एक मार्केट भी आ, सब तो पहला आपां बैग जमा करावांगे अपने। इत्थे आ गया गठड़ी घर, जदों भी तुसीं हेमकुंड साहब उपर नूं जाओगे तो इत्थे बैग जमा करा जाइओ अपने, जिन्ने भी आ तुहाडे कोल 1-2 दिन का समान लैके, बाकी तुसीं अपना सारा इत्थे जमा करा जाइओ। इत्थे 2 गठड़ी घर आ, एक च निक्का मोटा समान जमा हुंदा, जिहड़े बैग जमा हुंदे आ उह उपरले पासे होणगे, ते इत्थे आ दरबार साहब दे सामणे आ बिल्कुल गठड़ी घर, ते एक आ हेठ हैगा बेसमेंट दे विच। ते हुण असीं जिहड़े आ निक्के बैग आ ना, जिवें आ बैग आ, असीं एडे एडे बैग लैके जावांगे, ते जिवें आ बैग आ वड्डे बैग आ जिन्ने सारे इत्थे छड्ड जाणे आ, क्योंकि समान इहनां च बहुत है। वैसे भी साडा टूर लंबा केदारनाथ वगैरह जाणा, ते उह समान सीगा साडे कोले सारा, ते हुण सिर्फ 2-2 1-1 लोअर 2-2 टी-शर्टां इहदे च पा के लैके जा रहे हां। ते इहदे विच एक बेनती भी लगी है, गठड़ी घर विच नकद कैश कैमरा कुछ भी ना रखो, सिर्फ बैग रखे जाणगे इत्थे, ते बैग इत्थे रख सकदे आ।
चलो भी रखा गया वो समान। तिने बैग एक परची ती जमा हो जाते जो तुम चार जाने पांच जाने जिन्हें भी संगत च सारे एक थां ही जमा हो जाएंगे बैग। ट्रैकिंग लिए असी स्पैशल बूट ले सारे ने एको जे ले चार जने ने ते एक तुम हूँ होर दस दिए गठड़ी घर च बैग जमा कराने तो बाद जे तुसी कमरा लेना जिहड़ा असी कमरा लिया सीगा वो कमरे इत्थों मिलते हैं इहदे विच ही लंगर हाल है ते इत्थी इनक्वायरी है ते जिहड़ा असी कमरा लिया सी उह सीगा 2000 रुपए का ते जे तुसी 10 जाने हो 10 जाने आराम नाल एडजस्ट हो सकदे हो कमरे च वह भी 2000 रुपए का ये दोपहर 2 बजे तक कमरे मिलते हैं तो इस तो घट वाले कमरे भी मिल जाते हैं इतने मतलब 1100-1000 रुपए तो शुरू हो जाते हैं 1000 रुपए तो शुरू हो गए तो वक् वक् तरह के उपर दरबार साहब आ तो पहला लंगर हाल दिखा दिए थोड़ा लंगर हाल तो बाद फिर दरबार साहब दिखाने इत संगत हूँ है नहीं गी ज़्यादा क्योंकि 9 बजने वाले है सारी संगत उपर वल चल गई असी अजे लेट जा आ रहे हैं थोड़ा जहा क्योंकि कल थके हुए सी जो पिछों आए थे ना ऋषिकेश तो सफ़र लंबा सीगा वो भी थक गए सीगे। यह गुरद्वारा गोबिंद घाट का लंगर हाल है शाम नूं तां इत्थे बहुत संगत सी कल पूरा हॉल भरिया होया सीगा पर हुण संगत सारी चल गई उपर। यह है दरबार हाल गुरद्वारा गोबिंद घाट का ते एक गल तुहानूं होर दसदा कुछ बंदे कन्फ्यूज हो जांदे उपर इस तों उपर जदों चढ़ाई चढ़ांगे तो उपर गोबिंद धाम आऊगा थले गोबिंद घाट है तो उस तों उपर हेमकुंड साहब है बिल्कुल उपर तो संगत पहला ऋषिकेश तो इत्थे आउंदी है इत्थे आके स्टे करदी है स्टे करके फिर गोबिंद धाम ते जांदी है फिर हेमकुंड साहब दर्शनां लई जांदे है तो हुण आपां दरबार हाल दे अंदरले पासे चलदे हां। दरबार हाल ना 2013 तो बाद च यह बनाया सारा रीकंस्ट्रक्ट होएगा सारी बिल्डिंग है सारा इमारत वैसे तो जिन्ना इधर दिख रहे हैं सारे ही दोबारा बनेगा क्योंकि 2013 च जदों हड़ आए थे तो उदों पूरी तरह नाल सारा कुछ तबाह हो गया सीगा इत्थे ते बहुत काफ़ी नुकसान होया सीगा जी। ये अंदरों गुरद्वारा साहब वाहेगुरु दरबार हाल के बारले पासे ते आ उही नदी आ गई तो आ मो पार्किंग आ गई सारी तो इधरले पासे ना हॉल भी बने हुए आ जे संगत मतलब कई बार आप मोटरसाइकिल आते आने जो कमरा नहीं लेना हों इतें भी तुम अपने रिहायश कर सकते हो गद्दे वाधू पे होंगे इतने जिमें आ गद्दे पे आ गद्दे रखे पे है तो सारी संगत इतने सौ जाती है हॉल भी बने हुए बहुत सारे वो फ्री ऑफ कॉस्ट ने कोई वह चार्ज नहीं कोई पैसा नहीं लिया जाता तो जिमें बिस्तरे तो सारे इतने इदा ही दते हुए है जिथे भी थोड़ा जगह मिलती है बंदा अपना आराम कर सकता है आके इधरले पासे हॉल आ गए सारे थोन दिखाता तो आज मैं हॉल बनया हुआ फैमिली हॉल 101 तो हॉल नंबर 52 ये सारे हॉल ने हॉल अलग कटे हुए है कमर की अलग इमारत बनी हुई है इतने भी तुम अपना आराम कर सकते हो। जे ते कुछ कीमती चीज़ें ना जिम्मे लैपटॉप ज्वैलरी ज कुछ भी कैश वो तुम्हें पहले भी दिखाया सी इतने ऑफिस जमा करवा सकते हो तुम ये एक नंबर काउंटर है इतने इनक्वायरी असिस्ट मैनेजर तो इतने सबमिट हो जाता सारा कुछ मैं लैपटॉप इतने छड़ के जा रहा जो वेट बहुत आ। गठड़ी घर के नाल ही एक छोटी जी मार्केट है तो हेमकुंड साहब वाल यात्रा शुरू करने पहला इतों बरसाती वगैरह ले सकते हो। एक चीज़ तुम होर दिखा दा आ गुरद्वारा हेमकुंड साहब की यात्रा जो हैलीकॉप्टर से करनी है तुम तो यह है गोबिंद घाट तो घंगरिया घंगरिया पिंड है गोबिंद धाम असल जे ये उतो 100 मीटर थले है किराया दोने पासे का है 650 रुपए एक पासे का 2975 जे तुम इनू बुक करना है आ नंबर दिते हुए हैलीकॉप्टर के सारे ये ईमेल आई डी है तुम इन्हों ईमेल करके कंटैक्ट कर सकते हो तो हैलीकॉप्टर से भी जा सकते हो ये जगह जगह इतने लगे हुए हैं तो हूँ आप मार्केट चो बरसाती ले लिए क्योंकि मीह की संभावना बन जाती है ये जिमें आह छोटिया पे जाने जरूरी है स्टिका आप लें जी तो ये वैसे रस्ते चो मिल जाती है पतली है तो सारिया दुकाना तो आलमोस्ट सू छोटिया ज बरसाती मिल जाएगियाँ ये जरूरी है नाल लेके जाना क्योंकि रस्ते च किसी टाइम भी मीह आ जाता है ये जिमें बरसाती ने गियाँ ये लिफाफा उपर द पै जाता है रेनकोट है असी वैसे रेनकोट लैके भी आए थे अपने पिछों पंजाब तो जे तुम पंजाब तो लियाने तो उतों पिछों ले आए ज़्यादा बैटर है तो आ स्टिका दे आ लग्या हुंदा है तिखा पत्थर ये फिर ना पत्थर च फस के बंदा उकड़ता नहीं ये
तकरीबन कोई 40-50 दुकान है इत्थे जिहड़ा गोबिंद घाट गुरद्वारा साहब ते कोले निक्की जी मार्केट है। सारा समान जिवें अपने बाकी गुरधामां ते मिलदा हुंदा ना, आनंदपुर साहब ला लो जां हजूर साहब ला लो जां पटना साहब ला लो, सारे किते दुकानां हुंदियां किते भी आपां जांदे आ जां पंजाब च। ते उस तरह इत्थे निक्का जिहा बाजार है, इत्थे समान इत्थे आलमोस्ट इत्थे महंगा होना शुरू हो जांदा इस मार्केट च। महंगा है ना, इत्थे चाह किन्ने दी 20 दी पीती सी है, 15 दी, ते जिहड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह वह भी महंगा होना शुरू हो गया। ते स्टिंग 25 दी हो गई, स्टिंग 25 दी हो गई, ते कोल्ड ड्रिंक भी 5 रुपए चकता। रस्ते च ज्यों ज्यों आपां उपर जावांगे तां प्लस हो ही जानी है, इतों बाद च प्लस प्लस एंड ते जाकदा 70 रुपए दी पानी दी 60-70 दी बोतल हो जांदी है। ते जिहड़ा समान तुसीं लैणा है ते तुसीं इत्थों ही लै लिओ, जिहड़ी गोबिंद घाट दी मार्केट है। असल में तुसीं ट्राई करिओ ऋषिकेश तों पिछों लै के आइओ सारा समान। इत्थे थाना गोबिंद घाट भी हैगा, थाना भी हैगा इत्थे जिला चमोली। आ निके मोटे ढाबे ढुके भी बने हुए हैं, जिवें चाह पानी बाहर है। वैसे तो गुरुद्वारा साहब के अंदर लंगर च बहुत वधिया प्रबंध है, पर फिर भी जे किसी ने बाहर चाह पानी पीना मोमो मोमोज वगैरह यही जी, बस उत्थे जाके मार्केट खत्म हो जाती है। इन्नी की है मोबाइल वगैरह दी दुकाना भी अजे चार्जर घर खुले इतों लै सकते हैं। यह सोटियां लै लिया भाई असी उपर चढ़न तुरन, ये देखो ये जिन्नी हल्की लड़न लग जाए ये हुणी ऐ जे करदियां कुड़ियां जदों चढ़ाई चढ़नगियां उदों देखांगे। ते जिन्नी पतली लो ना जिन्नी हल्की लो ज़्यादा वधिया चक्कणी सौखी रहूगी। ते आ इहदे विच ना पए उहदे जिहड़े आ ने ना, इह तां हुणे निकल जाणे आ, जदों थोड़ा जिहा तुरांगे उहदी निकल जाणे नाल दी नाल। ते आ बरसाती आ, पहलां 20 दा लिया सी आपां, इह ऋषिकेश तों लै के आयो बई। ते इह रेन बरसात रोकण नूं हुंदा, रेट दा फर्क पै जांदा जी है ना इत्थे आ के। हांजी अच्छा इदों भी दुगना हो जाना अगे जाके है। ते ए भी दा नहीं आ, ओही लो यार नीला जा वधिया हैगा, रेनकोट लै लो। हाँ नहीं मेरे को हैगा, मेरे को पिंडो लै गया सी। आ डेयरी मिल्क किन्ने दी है, डेयरी मिल्क किन्ने दी है, 15 दी, ए भी 10-5 रुपए चकती हरेक चीज 5 रुपए, कुछ नहीं हुंदा लै लो, तीन लै लो। लो जी आपां सारा समान लै लिया, हुण आपां चढ़ाई चढ़ना शुरू करते हैं जल्दी, तुहानूं दिखाउने आ अगे दा सफर। ते इह गोबिंद घाट दी मार्केट है सारी जिहड़ी तुहानूं दिखा रहे हैं। गोबिंद धाम नूं हुण चढ़ाई शुरू करांगे, 13 किलोमीटर दी चढ़ाई हुंदी सी पहलां, हुण 9 दी रह गई, 4 किलोमीटर रोड बन गया, उह वी तुहानूं दिखाउने आ कित्थे है। इक गल होर तुहानूं दसदा, जिहड़ा इत्थे ATM है इक्को ही है पंजाब एंड सिंध बैंक दा, इह वी ज़्यादातर बंद रहिंदा। असीं पिछले आ 2 दिन तों देख रहे हैं इहनूं बंद ही पिया रहिंदा, इह जिहदे च कैश नहीं हुंदा। आ हुण खुल गया, सवेर दा टाइम है ते जां च कैश नहीं हुंदा क्योंकि संगत वाहवा हुंदी है। तुसीं पिछों कैश कैरी करके आयो, सारा अपना कैश कढवा के लियो, ऋषिकेश तों लै लियो जां फिर जोशी मठ लास्ट शहर पैंदा इत्थों 20 किलोमीटर पिछे, उत्थों कैश मिल जांदा हैगा। ते इह वी इंपोर्टेंट गल सीगी, इहदा ध्यान रखियो। इह इत्थे गुरद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट वल्लों इतिहास लिख के लाया होया हैगा, गुरु गोबिंद सिंह यहाँ सालों ध्यान किया था तीर्थ स्थान अंदर जाने से पहले तीर्थ यात्री। जिहड़ा तुहानूं दस्सां गुरद्वारा हेमकुंड साहिब है, गुरु साहब के जिहड़ा पिछले जन्म च जिहड़ी कीती तपस्या है उहदे नाल संबंधित है, विचित्र नाटक जिहदा जिक्र मिलदा। ते एल्टीट्यूड इत्थों दा हैगा 1764 मीटर, एल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है। जोशीमठ 20 किलोमीटर इत्थों, बद्रीनाथ 25। तो अगले ब्लॉग आने वाले हेमकुंड साहब तो बाद तुहानूं बद्रीनाथ भी घुमावांगे, इत्थे लास्ट बॉर्डर पैंदा इंडिया ते चाइना दा, उह तुहानूं दिखा के लियावांगे। ते इह पुराना इह नवीं कंस्ट्रक्शन हुई है सारी जिन्ना तुहानूं दिखा रहे हैं, पहलां इह हुंदा नहीं सी। जदों मैं इत्थे 10 साल पहलां आ के देखिया सी ना, दरबार साहब तो लैके सारी चीज़ नवीं बनी है, कल्ला जिहड़ा गठड़ी घर सीगा वह पुरानी इमारता। जिहड़ी आह इमारत है गुरद्वारा साहब ने नवीं बनाई है, ते जिहड़ा अपना कमरा सी वह भी उत्थे सीगा, वह उत्थे रूम सीगा अपना। ते हुण तुहानूं इधरले पासे कुछ चीज़ां दिखाउणे आ पुरानियां, जिहड़ी 2013 दी तबाही सीगी वह सारी। एक गल इत्थे तुहानूं होर दसदा, जिहड़ी संगत हैलीकॉप्टर ते जाणा चाहुंदी है, ते कई बार हैलीकॉप्टर खराब मौसम करके उड़दा भी नहीं हैगा, जिवें अज 10 वज गए सवेर दे ते हुण उड़ना शुरू होया, सवेर दा 7 वजे दा बंद सीगा। ते कई बार आपां नूं ऐ लगदा हुंदा ना कि जदों भी हैलीकॉप्टर आऊगा ते उड़ जाऊगा ते आपां कदों भी जा सकदे हां, इह थोड़ा जिहा गलत फहमी है। मैं भी पहलां इहदे बारे सुणिया सीगा, जिद्दण मीह पै रहे आ जां खराब मौसम है उदण हैलीकॉप्टर की राइड नहीं होंगी,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੇ ਜੇ ਘਾਟ ਤੇ ਤਾਂ ਘਾਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੈ ਛੋਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2013 ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨਾ ਤੇ ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਟੋਆ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਦੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਧਰ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰਾ ਤੇ ਨਦੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਹਾਤਾ ਸੀਗਾ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਨਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹ ਖੈਰ ਆ ਰੋਡ ਬਣ ਗਈ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜਾ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਹਾਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਆੜ ਹੋਇਆ ਖਿੰਡਿਆ ਪਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟ ਜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਪਹਾੜ ਦਿਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰੇ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਆਪਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ A to Z ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖੜੂਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਅ ਆ ਅਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲੀਪੈਡ ਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਿਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈੱਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲ ਹੈ ਆਹ ਨਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਲੌਗ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
हेमकुंड साहब की जी पहली चढ़ाई है वह हैगी 13 किलोमीटर की 4 किलोमीटर तक मतलब गड्डी जाती है 9 किलोमीटर तुर के जाना पेगा वह सारा कुछ तुम अगले ब्लॉग च देखोगे। अज का ब्लॉग मैं इतने करता समाप्त। वैसे हूँ असं चढ़ना शुरू कर रहे हैं सवेर के 10 बजे है तो बाकी मिलते हैं नवे ब्लॉग नवी वीडियो के नाल ते अगले ब्लॉग की उड़ीक करो। हेमकुंड साहब की पहली चढ़ाई फिर हेमकुंड साहब की दूजी चढ़ाई दो चढ़ाइया तो बाद फिर श्री हेमकुंड साहब आप पहुँच जाएंगे। हाँ देखो मतलब किमें वैसे कहें भी टफ भी है कम कई कहें सौखा है रलमी मिलमी जी रहे हैं बाकी जाए तो पता लगू तो तुम दिखावे जो भी हो सही सही तुम दसागे तो नाल साढ़े दो बंदे होर है टुरना साहब तो मनप्रीत कौर तो बाकी बाय बाय।